बात उस समय की है जब मगध पर राजा बृहद्रथ का राज था। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था और अब वे सिर्फ शांति चाहते थे। उस समय उनके सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, जो सिर्फ अपने स्वाभिमान के लिए जीते थे। उसी समय सिंध की तरफ ग्रीक शासक डेमेट्रियस के सैनिकों ने वहां के स्थानीय बौद्ध भिक्षुओं को अपने साथ शामिल कर लिया था और उनसे कहा था, अगर तुमने हमारा साथ दिया तो हमारे राजा बौद्ध धर्म अपना लेंगे। यह सुनकर उन्होंने सैनिकों को अपने मठों में पनाह दे दी और इसके साथ ही डेमेट्रियस ने भारत विजय की तैयारी शुरू कर दी थी। जब यह बात राजा बृहद्रथ को पता चली तो उन्होंने कहा कि वक्त आने पर इसका जवाब दे देंगे। इस बात पर उनके सेनापति पुष्यमित्र सुंग बौखला उठे और राजा से बोले, अगर आपकी आज्ञा हो तो अभी इन विश्वासघातियों का सर धड़ से अलग कर दूं। पर राजा ने मना कर दिया। इस पर वे बोले कि मगध की सेना मगध के सेनापति के साथ है, ना कि किसी सम्राट के साथ। इसके बाद वे सिंध की ओर निकल पड़े। वहां उन्होंने इतनी क्रूरता से युद्ध किया कि दुश्मन सैनिकों के सर धड़ से अलग कर दिया और बाकी के बौद्ध भिक्षुओं को बंदी बना लिया गया। इधर राजा बृहद्रथ ने उन्हें अपनी सभा से निष्कासित कर दिया और इसके बाद उन्होंने अपनी तलवार को ही अपना साथी बनाया। कुछ समय बाद उनका आमना सामना राजा बृहद्रथ से युद्ध के मैदान में हुआ, जहां उन्होंने उनकी हत्या कर दी और यहीं से पुष्यमित्र ने संघ साम्राज्य की नींव रखी और भारत में एक बार फिर से वैदिक धर्म की संस्थापना की।